अलवर में भाजपा किसान मोर्चा ने कांग्रेस पर देश में अराजकता का माहौल बनाने का आरोप लगाया है। शनिवार को किसान मोर्चा की ओर से पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष संजय नरूका, सोहनलाल सुलानिया, पवन जैन तथा दिनेश भार्गव सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि राजस्थान में किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, तो वही तीनों कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। राहुल जी आए हुए राजस्थान में, इसके विरोध में हमने सब जगह ये प्रेस वार्ता करी है और हमने इनकी जो कमियां थी कांग्रेस सरकार की, उनको कमियों को गिनाया है और उनको बताया है कि कैसे किसानों के साथ, जवानों के साथ, युवाओं के साथ इन्होंने छल किया है। उस बात के लिए आज हमने अपनी पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे की तरफ से आप लोगों को बयां की है।